रंगोली अपनी नई जिंदगी का बाहें पसार कर इंतजार कर रही थी, लेकिन मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया। और दूसरी तरफ पुलिस, उसे मयंक के बारे में अब भी कुछ पता नहीं चल पाया था। पुलिस ने रंगोली की मौत को आत्महत्या करार दिया, लेकिन रंगोली के ऑनलाइन फॉलोअर्स ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। सब बेकार की बात है, जो लड़की सुसाइड के खिलाफ थी वो भला सुसाइड क्यों करेगी। पहले तो रंगोली को मयंक के किडनैपिंग के लिए फ्रेम किया गया, और अब उसके मर्डर को सुसाइड बताया जा रहा है। अब रंगोली का कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, क्या वो किसी एंगल से परेशान थी या डिप्रेशन में थी। कल को कोई मुझे भी मारकर टांग देगा, पुलिस उसे सुसाइड बता देगी। मीडिया आउटरेज के चलते रंगोली के सुसाइड केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। अब इस बात की पुष्टि क्राइम ब्रांच को करनी थी कि क्या रंगोली ने आत्महत्या की थी या सच में वो किसी दरिंदे का शिकार बनी थी। मैम, मैं ASI योगिता कुमारी, ये कुछ रॉबरी के केसेस हैं और ये मैम ईप्टी सिंह के, और मैम ये एक मर्डर केस है। किसका मर्डर? आशा शुक्ला। मैम यहाँ कानपुर की लोकल नेता थी और इंटरनेट पर भी बहुत पॉपुलर थी। किसी ने घर में घुसकर मर्डर किया है, लूटपाट का मामला रजिस्टर हुआ है। लेकिन इसका तो? जी हाँ मैम, लोगों का कहना है कि विपक्ष के नेता महानंद महतो ने इसका मर्डर किया है, क्योंकि दोनों में 36 का आंकड़ा था। मैम आशा शुक्ला के दो बेटे हैं जो कि उसके पार्टी के काम में उसका हाथ बटाते हैं, और पति है उसका, उसके काम से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। मुझे इस केस की सारी डिटेल्स चाहिए। बहुत पुरानी कहावत है, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितना बड़ा एक्टर था, उसने सुसाइड करने से पहले अपने बारे में नहीं, कम से कम अपने फैंस के बारे में तो सोचना चाहिए था। दुनिया में हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम सब सुसाइड कर लें। नहीं, जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी, पर उसका डटकर सामना करना ही बेहतर है। रंगोली इस वीडियो में डिप्रेस तो नहीं लग रही है, इंट्रोवर्ट जरूर लग रही है। आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन ठीक से तो की थी ना? जी सर। सर, रंगोली के ऊपर अपने होने वाले पति की किडनैपिंग का शक था। वो केस फाइल में अच्छी तरह से पढ़ चुका, आगे बताइए। हाँ तो बस सर, रंगोली ने मयंक की किडनैपिंग से परेशान होकर सुसाइड किया होगा, या फिर हम दोबारा उसे अंदर कर देंगे इस बात से परेशान होकर सुसाइड किया होगा। मयंक के बारे में पता चला? सर कुछ पता नहीं चला, लेकिन सर हमने उसके सारे रिकॉर्ड चेक किए, सब क्लीन है। दुश्मनी जैसा भी कोई क्लू नहीं मिला। सर उसके पिता रमाकांत, उनका सीमेंट का बिजनेस है, काफी पैसे वाले लोग हैं। सर रंगोली की पोस्टमार्टम किसने की थी? सर मैंने पोस्टमार्टम किया था, सुसाइड था, और बॉडी पे कोई इंजरी मार्क्स या कोई स्ट्रगल के निशान भी नहीं मिले थे। गले की हड्डी टूटने की वजह से उनकी मौत हुई थी। सर रंगोली के फॉलोअर्स भी ना एक सुसाइड केस को मर्डर केस बनाने पे तुले हुए। मैं डॉक्टर की सारी बातें फॉलो कर रही हूँ, आप चिंता मत करो, आपको हेल्दी और तंदुरुस्त बेबी होगा। अच्छा दीदी, वो मेरी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी? कल हम लोग क्लिनिक में मिल रहे हैं ना, पांचवें हफ्ते के चेकअप के लिए, तब तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी। अपना ध्यान रखना। तू क्या कर रही है? तू अभी पूरे 3 घंटे 12 मिनट बाकी व्रत खोले में, और तुझे खाना है? मुझे बहुत भूख लगी। मैंने खाना अंदर जा, देख बाबा जी ने एटलीस्ट पानी तो पीने दो। जा अंदर, बहुत भूख लगी। बाबा जी ने ना खाए, तू जा अंदर। प्लीज प्लीज बाबा जी माफ करना उसे। तुम बच्चे के लिए और कोई तरीका तो ट्राई नहीं कर रहे हो? कम से कम ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका यूज कर लो। अब ये सब बंद करना पड़ेगा। क्या मतलब? क्या ये? मैं प्रेग्नेंट हूं। क्या? सर सर सर, आज सुबह एक जंगल में बॉडी मिली। ये देखिए सर,
तुम तो चेक करो सर, आसपास चेक करो, कुछ मिल जाएंगे सर। सर पूरा एरिया चेक कर लिया, पर्स फोन या आईडी कुछ भी नहीं मिला है। सर बॉडी पे कोई और घाव के निशान नहीं है, गला दबा के मारा गया है और रेप और मोलेस्टेशन के कोई साइंस नहीं है। सीसीटीवी चेक करो, आसपास पूछताछ करो, इसका फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। सर बॉडी ला पोस्टमार्टम ला पाठ दूंगा। ओके सर, बॉडी की पहचान हो गई है सर, मेघा सुतार नाम है। नागा पुलिस स्टेशन में मेघा की माँ ने उसकी मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाई। ठीक है, उसकी माँ को बुला बॉडी की पहचान के लिए। ओके सर। मेघा, मेघा, मेघा। सर ये मेघा के वकील अतुल पेंट से। ये किस लिए है? सर 4 साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया, तब से मेघा पढ़ाई के साथ साथ काम किया करती थी ताकि हम दोनों का गुजारा हो। फिर 4 महीने पहले डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया और जिसके इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत थी, तभी पाटिल फैमिली ने मेघा को अप्रोच किया सरोगसी के लिए। सरोगसी? हाँ सर, वो मेघा को बच्चा पैदा करने के लिए 25 लाख रुपए देने वाले थे। मेघा ने भी पैसों के लिए हाँ किया ताकि मेरा इलाज हो सके, और अब मेघा ही नहीं है। एक्चुअली सर जब मेघा 8 वीक प्रेग्नेंट थी तब कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तुम्हारे रिपोर्ट्स के अनुसार तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो डिफॉर्म्ड है, यानी पैदा होने के बाद उसमें डिफेक्ट होगा, उसके जिंदा रहने के चांसेस भी बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि बच्चा अबॉर्ट करेंगे। और मेरा बाकी का पेमेंट? यहाँ हम अपना बच्चा खो रहे हैं और तुम्हें पैसों की पड़ी है। हाँ तो ये काम मैंने पैसों के लिए किया था। ठीक है, तो अभी तक जो तुम्हें 8 लाख दिए हैं तुम वो रख सकती हो, बस इसके बाद हम तुम्हें और पैसा नहीं दे सकते। पर बात तो 25 लाख की हुई थी ना। अतुल जी आप कुछ बोलिए ना। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि अगर किसी भी वजह से प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, और ये बात आपके वकील को भी अच्छी तरह से मालूम है। और अगर ये बच्चा मैं डिलीवर करूँ तो? तब तो तुम लोगों को मुझे पूरे पैसे देने पड़ेंगे ना। मेघा मेघा समझने की कोशिश कर, वो बच्चा 1 या 2 साल ही जिंदा रहेगा, तो क्यों उसे पैदा करे उससे अटैच हो। और वैसे भी ये बच्चा हमारा है, तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली कि पैदा करोगी या नहीं? मुझे मेरे पैसे पूरे चाहिए। मेरी फैक्ट्री में अगर कोई डिफेक्टिव रॉ मटेरियल आता है ना तो मैं उसके पैसे नहीं देता। इट्स सिंपल। तुम लोग एक बच्चे को सामान और मटेरियल से कैसे कंपेयर कर सकते हो? ये अभी जिंदा है, मेरे पेट में सांस ले रहा है, कैसे इंसान हो तुम लोग? देखो मेगा कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बाहर में गया तुम लोग का कॉन्ट्रैक्ट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।